नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों डंकी फिल्म के एडवांस बुकिंग के एक और एपिसोड में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों डंकी की एडवांस बुकिंग वैसे तो आप ठीक कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कमजोर एडवांस बुकिंग है, ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर शाहरुख खान की पिछली दो फिल्मों की कंपेयर करें, चाहे वो पठान हो या जवान हो, तो उनसे बहुत पीछे है फिल्म, बहुत ही पीछे है। और चूंकि अब ये फिल्म क्लेश में फंस गई है, आप जानते हैं सालार से इसका क्लेश है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शोज भी कम मिलेंगे, शोज में भी बंटवारा होगा, स्क्रीन में बंटवारा होगा। और सालार एक बहुत बड़ी मास एंटरटेनिंग मूवी है, प्रभास है, पैन इंडिया सुपर स्टार है, तो यहाँ पे लगता है शाहरुख खान फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिल्म की एडवांस बुकिंग उतनी नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। जिस प्रकार की एडवांस बुकिंग पठान की तथा जवान को मिली थी, वो एडवांस बुकिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। आपको बता दूं डंकी को अब तक 10.30 करोड़ 10 करोड़ 30 लाख की एडवांस बुकिंग मिली है, जिसमें से दोस्तों 3,62,027 टिकट वो बेच चुकी है, जबकि ये फिगर 5 लाख से ऊपर जा सकता है। आज शायद आज का दिन बाकी है। 272 रुपये करीब ATPS की और 12,612 शोज है, 12,612 शोज, जबकि पठान जवान वगैरह वो 20,000 से ऊपर शोज थे, तो वो शोज बढ़ जाएंगे सालार के कारण, तो ये बात देखने वाली बात है। जहां तक NCR की बात करें तो 12% की थिएटर ऑक्युपेंसी है, 1,291 शो यहाँ पे, 47 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 96 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों मुंबई की बात करें तो यहाँ भी 12% की थिएटर ऑक्युपेंसी है, यहाँ पे 1,001 शो है और दोस्तों 66 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 65 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों पुणे की बात करें, 9% की थिएटर ऑक्युपेंसी है, 408 शो है जिसमें से 17 शो हाउसफुल और 96 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों अगर बेंगलुरु की बात करें, 18% की थिएटर ऑक्युपेंसी, 826 शो है यहाँ पे, 58 हाउसफुल, 60 फास्ट फिलिंग। वहीं दोस्तों अगर बात करें हैदराबाद की, 25% की थिएटर ऑक्युपेंसी है, 549 शोज है जिसमें से 72 हाउसफुल हो चुके हैं और 106 फास्ट फिलिंग है। तो ये रिपोर्ट है, बाकी कमोबेश यही हालत पूरे देश भर में, सभी जगह मतलब ठीक है थिएटर ऑक्युपेंसी शोज के हिसाब से। तो करीब करीब 10.30 करोड़, मुझे लगता है रात तक आज ये 15 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग प्राप्त करेगी, और 15 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग का मतलब है कि करीब 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही आज भारत में कर सकती है नेट कलेक्शन, जो पठान और जवान से तो काफी कम रहने वाला है। एनिमल के आसपास कलेक्शन मेरे को लगता है कर सकती है, एनिमल तक भी नहीं जाएगी शायद ये, क्योंकि 40 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन आया था, गदर 2 का आया था करीब 38.40 करोड़ के आसपास, तो उसके आसपास ये फिल्म रहने वाली है पहले दिन कलेक्शन के मामले में। जहां तक ओवरसीज एडवांस बुकिंग की बात करें तो आपको बता दूं मैं, ओवरसीज में करीब टोटल मिलाकर के ओवरसीज की एडवांस बुकिंग भी जोड़ दे तो 20 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग हो गया है, टोटल 20 करोड़ का ग्रोस एडवांस बुकिंग, जिसमें से 8.80 लाख की एडवांस बुकिंग फिल्म को ओवरसीज से मिली है। तो ये तो थी रिपोर्ट। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि जवान को पहले दिन के लिए 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग मिली थी ओपनिंग डे के लिए, वहीं दोस्तों पठान को मिली थी 27.12 करोड़ की, और दोस्तों जो एनिमल है उसको 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग मिली थी, और गदर को 15 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग मिली थी, तो गदर तक पहुंच सकती है मुझे लगता है ये। तो अब की बार ये क्लेश जबरदस्त है। और दूसरी बात ये भी है कि डंकी वैसी फिल्म नहीं है जैसे पठान और जवान थी, जो मास एंटरटेनमेंट एक्शन मूवी, तो डंकी एक इमोशनल, एक पारिवारिक, एक फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी, फन, इमोशन, रोमांस, सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में राजकुमार ईरानी का कंटेंट है, तो ये फिल्म डेफिनेटली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सालार सामने है, तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। पहले दिन डंकी को फायदा है क्योंकि सालार अगले दिन रिलीज हो रही है, कल डंकी के शो भी रिड्यूस होने वाले हैं आप मान के चलिए, और फिल्म को अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि फिल्म का बजट काफी कम है, 120 करोड़ फिल्म का बजट है, तो वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिल्म आसानी से अपना बजट से बहुत अच्छा पैसा कमा लेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहली बार यहाँ पे शाहरुख वर्सेस प्रभास है, तो इसका डेफिनेटली यहाँ पे प्रभाव, यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं डंकी किस प्रकार से मतलब आगे बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। डंकी वर्सेस सालार का भी एक वीडियो आएगा जिसमें दोनों की कंपेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलना मत। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।